नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का यूज कैसे करना है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए, वॉज वर्ब का मतलब होता है था, थे, थी। था, थे, थी। वॉज वर्ब का प्रयोग आप आज से सेंटेंस में करेंगे हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में आपको था, थे या थी शब्द दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह राम का भाई था, तो इस सेंटेंस के लास्ट में था तो आ गया, लेकिन कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ध्यान रखना, आपके सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं दिखाई देनी चाहिए। वर्ब जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, कोई काम होते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया और राम का भाई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंपल है, एफर्मेटिव है, तो हमें जो उसका रूल लेना है वो एफर्मेटिव ही लेना है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वॉज वर्ब को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। ही के साथ हमने लगाया वॉज, क्योंकि वॉज जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं और जो वर्ब होता है वो प्लूरल नाउन के साथ लगाते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वॉज का प्रयोग आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई नाम और सिंगुलर नाउन इनके साथ करना है, और वर्ब का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहां पर ही था, इसलिए हमने ही के साथ वॉज का प्रयोग किया। ही वॉज ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, वे ईमानदार नहीं थे। नहीं वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है, वे हमारा सब्जेक्ट है, ईमानदार शब्द हमारा ऑब्जेक्ट है और थे के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट आया दे, उसके बाद वॉज वर्ब में से आया वर, और थर्ड प्लेस पे आता है नॉट नेगेटिव सेंटेंस में। तो दे वर नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार, वे ईमानदार नहीं थे। अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम उसके मित्र थे, क्या मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम हमारा सब्जेक्ट है, उसके मित्र ऑब्जेक्ट है और था, थे, थी, इनमें से हम थे के लिए लेंगे वर। वर यू, क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न क्या है, सबसे पहले वॉज वर लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा वर पहले आ गया। वर यू हिज फ्रेंड, क्या तुम उसके मित्र थे। लास्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है हमें। तो क्या राम उसका भाई नहीं था, क्या क्रिया आ गया वॉज, राम, नॉट हिज ब्रदर उसका भाई, ऑब्जेक्ट राम हमारा सब्जेक्ट। तो पैटर्न के हिसाब से हमने पहले था, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है सिंगुलर नाउन की, तो हम इसको वॉज लेंगे, वॉज राम नॉट हिज ब्रदर। तो कहाँ करेंगे हम वॉज वर्ब का प्रयोग, ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी शब्द आ जाए लेकिन कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि आपको पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सेंटेंस है, वे ईमानदार नहीं थे, अगर हम इसको ऐसे बोलें ईमानदार नहीं वे थे, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हिंदी में हमने इसको पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इसी तरह से इंग्लिश में भी हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर वॉज वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस पैटर्न्स का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वॉज वर्ब। 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो देखने के पैसे नहीं लग रहे आपके, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।